Hello and everyone, we are doing cupping hijama therapy today. ये जो patient है ये हमारे patient है और जिनको जो mainly एक्चुअली सिर के लिए भी आए थे but हमने इनको अपनी तरफ से recommend ये किया कि आप पहला session back पे करें then आप head पे करें और ये general well-being भी कराना चाहते थे तो अब आप देख रहे हैं जैसे अब हम just शुरू करने वाले हैं everything is trial here and this room is also fabricated. Now we are just going to start with our first process of जो आपको पता है आप जो मेरा previous video भी देख चुके होंगे तो आपको पता होगा how we do clean disinfectant कैसे area करते हैं. So this is the solution, first solution जो हम use करते हैं clean के लिए. उसके बाद हम दूसरा एक that is betadine जो अब हम use करेंगे उसको clean करने के लिए and followed by हम use करेंगे spread. अभी ये betadine है अब हम कुछ मिनट यहाँ पे रुकेंगे जब तक थोड़ा ड्राई हो जाए एंड उसके बाद हम इनको स्प्रिट से वॉश देंगे. सो अब हम कप लगाना शुरू कर रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट कप ऐसे. उसके बाद और कप हम लगाते जाएंगे ऐसे. अब देखिए कैसे. सो दिस इज द स्टीराइड ब्लेड जो हम यूज करेंगे इधर थोड़ी देर में. तो अब देखेंगे कि हम आपको एक दो जगह में दिखाएंगे कि हम कैसे करते हैं फिर हम थोड़ा वीडियो को थोड़ा फास्ट करेंगे उसके बाद. अब देखिए इधर और ये कप हम ये दो कप पे करने वाले हैं. पेशेंट थोड़ा सेंसिटिव लग रहे हैं मुझे. सी हमने इंसिजन दिया है ब्लड आगे हैं एंड ये आएगा नहीं इससे ज़्यादा क्योंकि हमने ये बहुत ही माइन्यूट से इंसिजन दिए. अब जो वैक्यूम क्रिएट करेंगे तभी ब्लड बाहर आ पाएगा अदरवाइज नहीं आएगा. देखिए अब ब्लड आना शुरू हो गया इसमें. इसमें भी देखिए अब शुरू हो गया ब्लड आना. दिस इज हाउ ब्लड कम्स आउट. हम पूरे इंसिजन दे चुके हैं एंड ब्लड आना शुरू हो चुका है. एज यू कैन सी मल्टीपल लेवल्स में तो अब धीरे धीरे आता रहेगा. वी हैव टू वेट फॉर फ्यू मिनट्स. चलो ठीक है अब आए. सी व्हाट वी गॉट इनसाइड दिस कप. दिस इज इम्प्योर ब्लड. इट लुक्स लाइक पीस ऑफ अ लिवर. सो अब ये कप हम दोबारा से यहाँ पे प्लेस करेंगे
तो कि अगर इसमें कुछ और निकलेगा तो चेक करेंगे वेदर वी कैन गेट एक्टिव और नॉट। तो फिलहाल हम दूसरे कप को निकालेंगे पहले, फिर हम दोनों इकट्ठे लगाएंगे। सी आप देख रहे हैं, देखिए ये क्या निकलता, दिस इज़ व्हाट वी गॉट इनसाइड दिस कप। ये पूरा इम्प्योर है, देखिए हिल भी नहीं रहा है, इट इज तो अब हम दोबारा से प्लेस करेंगे एक कप। तो अगर उसमें कुछ आता है तो खुद आएंगे, अगर नहीं आता तो सरम विल कम आउट। एंड अगर ये फिर से फुल कप हो गया देन दोबारा होके एक बार और आएगा तो बस फिर हम तीसरी बार एक कप नहीं लगाएंगे, बिकॉज दैट विल बी एनफ। सी ब्लड हैड स्टार्ट ओजिंग आउट अगेन। तो सी इसमें आ रहा है, उसमें अभी नहीं आया है तो देखेंगे। सो अब हम और एक कप की तरफ जा रहे हैं, तो दिस इज द अनदर कप। तो मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी फुल, ये देखिए ये एकदम दिस इज व्हाट वी गॉट। बस दैट इज फॉर द पेशेंट, जो लोग डरते हो ये देखने से प्लीज वो ये ना देखें एंड ये वीडियो को फिर अवॉइड करिए। एंड जिनको ब्लड देखने से डर लगता हो काइंडली अवॉइड दिस वीडियो। हमने एक बार कप रिमूव कर चुके, दोबारा कप लगाया हमने एंड यू कैन सी दोबारा से ब्लड आना शुरू हो चुका है कपों में। बट एक में जैसे कि इसमें तो बंद हो गया बहाना, इसमें भी सिरम आ रहा है, दो में और तीन में, तीन में सिरम आ रहा है, बाकी में धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं। तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा, जो जिसमें सिरम है वो हम रिमूव करेंगे। सी हम ये कप कुछ निकाल चुके हैं एंड जिनमें हमें लग रहा था अब नहीं आ रहा था तो हमने वो निकाला। अब जो ये कप जो आप देख रहे हैं इनमें भी आ रहा है, तो दैट वाई वी आर स्टिल वेटिंग। जब तक ये आएंगे तब तक हम वेट करेंगे, और तो जैसे हमें लगता है ये रुक गए तो देन वी विल रिमूव देम एज वेल। सो अब ये हम कप को निकालने वाले हैं, सी व्हाट वी गॉट इनसाइड। जिसका भी दूसरी बार लगाया था हमने, एकदम ब्लैक सा है ये, रेड वेड कुछ नहीं है, जस्ट ऑल ब्लैक। हम इसको क्वार्टर में रैप करके एंड वी डोंट वांट टू स्पेल दिस आउट इतनी एरिया में। और एक कप में हम दिखाएंगे बैग में जो नीचे जो कप थे वो दोनों में एकदम ब्लैक काइंड ऑफ कलर था। और ये देखिए दूसरी बार जब लगाया हमने तो थोड़ा सा इसमें लिक्विड कुछ साफ ब्लड भी आने लग गए हैं। दिस इज द फाइनल कप, जिसमें पहले जब हमने लगाया था तब उतना नहीं आया था, दूसरी बार में अब भी इसमें आए हैं। दिखने में तो ये कुछ कम लग रहा है, बट ये अराउंड 50-40 ml के आसपास का ब्लड है जो क्लॉट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, वी हैव डन ऑल दिस प्रोसीजर इज डन, नाउ वी विल क्लीन दिस एरिया विद द स्प्रिट जो उसके बाहर है। फिर उसके बाद हम इस चीज़ को कवर करेंगे स्टेराइल गौज से सब जगहों में, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी मेक श्योर देर शुड बी नो इन्फेक्शन। ऐसे होता नहीं है फिर, बट वी हैव टू बी बीइंग कि पेशेंट को आप कम से कम इंजरी से दूर रखें जिससे आपको लगे कि इन्फेक्शन हो सकता है, इफ यू कैन हेल्प इट आउट। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि उससे इन्फेक्शन हो। हम स्टेरल गॉज का यूज़ करेंगे,
इन चीज़ों को कवर करने के लिए। तो इन द मीन वाइल हम जैसे उठेंगे कुछ हम उनसे बात भी करेंगे कि वो कैसा लगा, कैसी एक्सपीरियंस थी इनकी, तो वो हम शेयर ज़रूर करेंगे आपके साथ। आप उठ सकते हैं, वेयर डन आराम आराम से आके बैठे धीरे धीरे। हाँ जस्ट सिट, बैठे इधर पे बैठे। तो कैसा फील हुआ आपको? बेटर फीलिंग, लाइट और नॉट, थोड़ा हेड थोड़ा लाइट, भारी सा भारी लग रहा है। हाँ दैट इज वही मैं आपको कह रहा था कि एक लिमिटेशन होती है, वो पूरी हो चुकी होगी इसलिए ज्यादा। बाकी आपको बैक बैक शायद लाइट और 10 मिनट में लेंगे, तब तक आप रिफ्रेशमेंट लेंगे तो। और बाकी जो पेन कितना था? नॉर्मली आई सॉ यू वर वेरी सेंसिटिव, नॉर्मली इतनी नहीं थी, फिर भी आपको कितना पेन हुआ? कुछ पेन वो हुआ नहीं एक्चुअली, वो एक साइकोलॉजिकल थिंग रहता है ना कि ये इससे प्रिक हो रहा है। So, see, he was our patient who was telling his how he felt, it was his experience. So, आपको कोई question, query हो या कुछ भी, you can write to us and below down the comment box and we will try to reply you as soon as possible. Thanks for watching our video and please like and subscribe our channel. Thank you.